हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ। आज का टॉपिक है जी रोमन न्यूमरल। ओके स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रोमन नंबर कैसे बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, और रोमन नंबर बनाने के बाद उसे कैसे चेक किया जाता है कि आपका रोमन नंबर जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है। और स्टूडेंट, इसमें इस वीडियो में आज आपको रोमन नंबर 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर सिखाए जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छी प्रकार ध्यानपूर्वक देखी तो स्टूडेंट आज आपको 1 से लेके 1000 तक के सभी रोमन नंबर लिखने और पढ़ने आ जाएंगे, वो भी बिल्कुल सही। ओके स्टूडेंट, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि ये पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है ध्यान। अगर आपका ध्यान नहीं है, आप अच्छी प्रकार नहीं सुनते, स्किप कर देखते हैं, तो स्टूडेंट आपसे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सीखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल वर डेवलप्ड बाय द रोमन मैनी ईयर एगो। जो रोमन नंबर है उनका विकास बहुत साल पहले हुआ था। ओके स्टूडेंट, अब जो दैनिक जीवन है स्टूडेंट, उसमें ज़्यादा रोमन नंबर का प्रयोग नहीं होता। ज़्यादातर आप जो घड़ियाँ होती है उसका जो डायल होता है उस पर आप रोमन नंबर लिखे हुए देख सकते हैं, है नहीं? और एक आ जगह और आप रोमन नंबर देख सकते हैं लिखे हुए, जैसे बुक में देख सकते हैं आप, नंबरिंग के लिए डालते रहते हैं। तो स्टूडेंट, जो रोमन नंबर होता है, रोमन नंबर बनाने के लिए हम सिर्फ 7 लेटर का प्रयोग करते हैं। ध्यानपूर्वक सुने और जो इम्पोर्टेंट बातें लगें तो वे आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लें। जो रोमन नंबर होता है उन्हें बनाने के लिए हम 7 लेटर का प्रयोग करते हैं। कितने लेटर के स्टूडेंट? 7 का। तो जो रोमन नंबर है जी, वे जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं ABCZ तक, तो उनमें से जो 7 लेटर आपको लिए गए हैं रोमन नंबर लिखने के लिए, 7 ओनली। तो स्टूडेंट इन्हें कहते हैं रोमन न्यूमरल, जो ये हमने 7 लेटर लिए हैं। यही बार बार रिपीट होकर सारी जो काउंटिंग बनेगी रोमन नंबर में, वे सब इन्हीं 7 लेटरों के द्वारा रिपीट होने से बनेंगी। बार बार इन्हीं को ही हम प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये इस बात का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट, जो ये रोमन नंबर होते हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला रोमन नंबर होता है आई, उसके बाद होता है जी वी, फिर एक्स। एक्स के बाद एल, सी, डी और एम। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर हैं जिनका प्रयोग हम रोमन नंबर लिखने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई वी एक्स एल सी डी एम, ये लेटर हैं। अब स्टूडेंट, हमें ये रोमन नंबर तब तक समझ में नहीं आने के जब हम जो अपने नंबर है जो जिनमें हम काउंटिंग लिखते हैं वे हमें इनका मतलब ना पता हो कि भाई आई का मतलब क्या है, वी का क्या है ना। तो अपने जो काउंटिंग नंबर है जब तक हम इनकी वैल्यू उसमें नहीं जानेंगे, रोमन नंबर की वैल्यू कितनी होती है हमारी काउंटिंग नंबर में, तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही करते हैं कि जो रोमन नंबर है इनकी वैल्यू देख लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट जो हमारे नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल,
जो हमारे नंबर होता है वे होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल। कुछ स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हिंदू अरेबिक नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, न्यूमरल क्या होते हैं। न्यूमरल क्या मतलब क्या है स्टूडेंट, पहले ध्यान से समझ लीजिए। कभी कभी पता नहीं चल पाता कि न्यूमरल क्या होता है। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर, 1, 2, 3, 4 है ना, या 324, यही न्यूमरल है। ऐसे लिखना, नंबरों के रूप में लिखना ही न्यूमरल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब यही ये जो नंबर है जो हमने लिखे यहाँ पे, ये जो नंबर है स्टूडेंट, इन्हीं नंबरों को, इन्हीं न्यूमरल को हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो हिंदू अरेबिक नंबर क्या होते हैं जी, तो जो हम नंबर लिखते हैं ये 1, 2, 10, 11, 99 है ना, तो यही हिंदू अरेबिक न्यूमरल है। ओके स्टूडेंट, आपको पता चल गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होते हैं, है ना, 10, 15, 25, 99, 1, 5, तो ये सभी क्या है, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं वैल्यू, जो रोमन न्यूमरल है उनकी हिंदू अरबिक न्यूमरल में क्या वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, जो आई है ये हमेशा 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। जो वी है, वी की वैल्यू 5 होगी। अगर कहीं वी लिख रहा तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 लिखा हुआ है, कहीं आई लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये 1 लिखा हुआ है, और कहीं एक्स लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि ये 10 है। एक्स का मतलब क्या होता है, 10, और एल का मतलब होता है जी 50। अगर कहीं भी आप एल लिखा हुआ देखें तो आप समझ लिए 50 लिखा हुआ है, और सी का मतलब होता है जी 100। ओके स्टूडेंट, और डी का मतलब होता है 500। ओके स्टूडेंट, कहीं भी अगर आपको डी लिखवा दिख जाता है तो आप सोच लीजिए कि ये 500 लिख रहा है, और एम को 1000 कहते हैं। तो जो एम है स्टूडेंट उसे 1000 कहते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये नंबर याद रखने हैं। स्टूडेंट आज हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे कि भाई कुछ ही नंबर याद रखने के बाद, रखने से हम सारे के सारे रोमन नंबर कैसे याद रख सकते हैं। बस आपको उसके लिए कुछ 25-30 नंबर याद रखने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट आपको। बस अगर आपके ये 25-30 रोमन नंबर याद हो गए तो आप 1000 तक के सभी नंबरों को ये मान लीजिए आपने याद कर लिया। ठीक है, बशर्ते जो न्यूमरल आपको बताए जाए वो आपको अच्छी प्रकार याद हो जाने चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको यही याद हो जाना चाहिए कि भाई आई को 1 कहते हैं, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100 और डी को 500 और एम को 1000 कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एम को क्या कहते हैं, 1000। ठीक है जी, तो ये 7 नंबर हैं जिनका हम प्रयोग रोमन नंबर में करते हैं। स्टूडेंट रोमन नंबर में 0 के लिए, ये 0 है, इसके लिए कोई भी सिंबल नहीं होता, कोई भी चिन्ह नहीं है 0 के लिए। याद रखिए, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, आप अपनी रफ कॉपी में या कहीं भी नोट कर सकते हैं कि रोमन नंबर में 0 के लिए कोई भी सिंबल, कोई भी चिन्ह नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब रोमन नंबर बनाने के कुछ नियम होते हैं, आपको उन नियमों को याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट, तो वे बहुत ज़रूरी हैं जो नियम है, अगर आपके नियम याद नहीं है तो आप रोमन नंबर नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि हम आपको रोमन नंबर बनाना सिखाएंगे, याद करना नहीं, रटाना नहीं, कि हम आपको रोमन नंबर बनाना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं जी।
द रूल ऑफ फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल आर कॉमन फॉर आई एंड एक्स बट द रूल्स वी एंड एल आर द डिफरेंट फॉर द रूल्स फॉर कॉमन फॉर वी एंड एल. ओके स्टूडेंट, जो आई और वी है, आई और एक्स है स्टूडेंट, इनके लिए अलग रूल्स है और जो वी एल है उनके लिए अलग रूल्स है. देखिए स्टूडेंट, जो आई है याद रखेंगे, जो आई है और एक्स है, ठीक है जी, तो एक्स को हम हमेशा वी और एक्स इन दोनों में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी. जो आई है इसे हम वी और एक्स से पहले लिख सकते हैं, आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं. माइनस का मतलब है रोमन नंबर में अगर कोई भी नंबर बड़े नंबर से पहले लिखा हुआ है, यानी कि उसके लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, मान लीजिए राइट साइड वी लिखा हुआ है स्टूडेंट, उससे पहले हमने वन लिख दिया, ठीक है जी, तो ये जो नंबर है ये इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा. वी का मतलब फाइव है, अब स्टूडेंट आई का मतलब वन है, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा, तो स्टूडेंट ऐसे माइनस होकर पढ़ा जाएगा. और जो आई है वो हमेशा वी और एक्स में से ही माइनस होगी, इसके अलावा किसी और नंबर में से माइनस नहीं हो सकती. ऐसा नहीं कि आप इसे एल एल लिख दे और एल के में से वन आई माइनस कर दे, ऐसा नहीं होने का. ओके स्टूडेंट, तो याद रखिए कि इसमें से क्या माइनस होगा. अब स्टूडेंट आपने जो एक्स है उसके राइट लेफ्ट साइड आपने वन लिख दिया, तो स्टूडेंट ये टेन है, टेन में से आपने ये माइनस होगा पढ़ा जाएगा. अगर बड़े नंबर से पहले एक छोटा नंबर लिखा जाता है तो वह उसमें से माइनस होकर पढ़ा जाता है. तो स्टूडेंट एक्स का मतलब टेन है, टेन में से हमने वन माइनस कर दिया, एक्स का मतलब टेन है, टेन में से हमने वन माइनस कर दिया तो नाइन होगा. तो स्टूडेंट जो आई और एक्स है इसका मतलब नाइन हो जाएगा, ठीक है, और जो आई और वी है इसका मतलब फोर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो याद रखे फोर कैसे बना और नाइन कैसे बना. टेन में से वन माइनस हो करके नाइन बनाया और फाइव में से वन माइनस करके हमने फोर बनाया. ओके स्टूडेंट, क्योंकि रोमन नंबर में अगर कोई बड़ा नंबर पहले लिखा उसके बाद उससे पहले हमने कोई छोटा नंबर लिख दिया तो वह उससे माइनस हो जाएगा, लेकिन सब में से नहीं. इसका भी नियम है कि कौन से नंबर में से कौन सा नंबर माइनस होगा. स्टूडेंट याद रखे वी और एक्स इन दोनों में से आई को माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी. अब स्टूडेंट नेक्स्ट देख लीजिए, अब है जी एक्स, जो एक्स है वो हमेशा एल और सी में से माइनस होगा. क्या होगा स्टूडेंट, जो एक्स है वो एल और सी में से माइनस होगा, जैसे कि आई वी और एक्स में से माइनस हुआ था. अब स्टूडेंट अगर आप यहां एल है, अब इससे पहले आप एक्स लिखेंगे, आपके राइट साइड एल है लेफ्ट साइड एक्स है, तो अगर पहले बड़ी डिजिट है और उसके बाद छोटी है तो उसमें से माइनस हो जाएगी. आपको पता है एल का मतलब 50 हो और इससे पहले छोटी लिखी हुई है तो इसमें से माइनस हो जाएगा 10, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 40, है ना, तो एक्स एल का मतलब हो गया 40. याद रखेंगे, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 40 कैसे बना, तो ये भी आपको याद रखना ही होगा, ठीक है जी. तो आप जान चुके हैं कि रोमन नंबर में अगर पहले बड़ी डिजिट लिखी जाती है और उससे पहले कोई छोटी डिजिट है तो उसमें से माइनस होकर पढ़ी जाएगी, यानी कि उसके लेफ्ट साइड है तो राइट साइड बड़ी डिजिट और लेफ्ट साइड छोटे वाली डिजिट होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, और हमने बताया आपको एल और सी में से एक्स माइनस होगा,
नोनियल सिम सम वाई माइनस कर देंगे, नहीं स्टूडेंट। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सी सी से पहले अगर हम यहाँ एक्स लिखेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा। सी का मतलब हमें पता है 100 होता है और एक्स का मतलब 10 होता है। तो स्टूडेंट 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 90 है ना। तो स्टूडेंट एक्स सी का मतलब क्या हो गया, 90। ठीक है जी, एक्स सी का मतलब क्या हो गया, 90। आप याद भी रख सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं एक्स सी का मतलब क्या है तो आप सोच सकते हैं भाई पहले तो बड़ी डिजिट लिखी, उससे पहले छोटी लिखी, अगर पहले छोटी लिखी बड़ी से तो आप उसे इसमें से माइनस करेंगे है? आप याद रखेंगे। तो आपने सी का मतलब 100 है और एक्स का मतलब 10 है तो 100 में से आपने 10 माइनस कर दिया तो 90 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपसे ये करना आ गया तो आपको पता चल गया कि 4 कैसे बना, 9 कैसे बना, 40 कैसे बना, 90 कैसे बना, है ना। तो अब देखिए, अब है जी सी, जो ये सी है ना, एक नंबर है जी हमारा डीएम, जो डीएम है स्टूडेंट इनमें से हमेशा सी माइनस होगा। ठीक है, कभी भी सी को आप छोटी डिजिट्स में से माइनस नहीं कर सकते, भाई सोचने लगे एल में से माइनस कर दो, इसमें से कर दो तो होने का नहीं। तो स्टूडेंट वैसे भी में छोटी है तो जो सी माइनस करेंगे आप हमेशा वो डी और एम में से माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, देख मान लीजिए आपने यहां डी लिखा और डी से पहले आपने सी लिख दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अब जो ये डी है, डी का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 500 होता है, अभी आपने यहाँ देखा था। और सी का मतलब 100 है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि सी का मतलब 100 होता है। तो अब स्टूडेंट 500 में से आपने 100 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 400। ठीक है जी, तो क्या बच गया, 400। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब होगा सी डी का मतलब जो होता है वो 400 होता है। ओके स्टूडेंट, सी डी कैसे लिखा जाता है, 400 है ना। अब स्टूडेंट इसी प्रकार ये एम है, ये एम है, अगर एम से पहले आपने सी लिखा तो स्टूडेंट ये सी एम होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा भाई सी एम का मतलब क्या हो, आपने देख लिया पहले बड़ी डिजिट है फिर उससे पहले छोटी है ना, तो आपको पता है एम का मतलब हमें 1000 होता है। अब सी का मतलब स्टूडेंट 100 होता है, तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपको 900 प्राप्त होगा है ना। अगर 1000 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 900 मिलेगा ना आपको, तो आप सोच सकते हैं जो सी एम है इसका मतलब 900 होता है। ठीक है जी, सी एम का मतलब क्या होता है, 900। याद रखें, क्या याद रखना आपको, वी और एक्स में से आई माइनस होगा, एल और सी में से एक्स माइनस होगा, डी और एम में से सी माइनस होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये डिजिट कैसे बनी तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने ये कैसे बना, ये स्टूडेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, इन्हें आप याद रखेंगे अच्छी प्रकार। तो स्टूडेंट हम इसे इतने को क्लियर कर रहे तो जी अब देखिए, अब रूल नंबर 2, जो स्टूडेंट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि भाई ये रिपीट हो गए बनते हैं। तो स्टूडेंट जो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो रिपीट होते हैं पहले देख लीजिए, जो रिपीट होंगे वो 1 होगा,
एक्स होगा, ओके स्टूडेंट, सी होएगा और एम। तो स्टूडेंट ये चार नंबर ऐसे हैं, चार न्यूमरल ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, वन यानी कि आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम ये नंबर होते हैं, ये रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट रोमन नंबर में कोई भी न्यूमरल जो होता है वो तीन बार रिपीट हो सकता है, ये बात इम्पोर्टेंट है कि भाई रोमन नंबर में कोई भी नंबर तीन बार से अधिक रिपीट नहीं होता, याद रखना ही होगा आपको। तो आई को आप तीन बार रिपीट कर सकते हैं, एक्स को आप तीन बार रिपीट कर सकते हैं, सी को आप तीन बार रिपीट कर सकते हैं और एम को आप तीन बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखो अगर आप आई को तीन बार रिपीट कर रहे हैं तो थ्री बनेगा स्टूडेंट, एक्स को तीन बार रिपीट कर रहे हैं टेन 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 थर्टी हो जाएगा, सी को आप तीन बार रिपीट कर रहे हैं तो हंड्रेड 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 थ्री हंड्रेड हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अगर एम को आप तीन बार रिपीट कर रहे हैं, थ्री टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट थ्री थाउजेंड हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ वह एक एम का मतलब वन थाउजेंड होता है, दो एम का अगर टू एम है आपके पास तो टू थाउजेंड हो जाएगा, और थ्री एम है तो आपके पास थ्री थाउजेंड हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये नंबर है आई एक्स सी एम जो तीन बार रिपीट होते हैं। अगर स्टूडेंट आपको कह लगे कोई फोर लिखना तो आप ऐसे फोर नहीं लिख सकते, ये फोर नहीं है, गल रोंग है, ठीक है जी। क्यों रोंग है? क्योंकि रोमन नंबर में कोई भी नंबर तीन बार से अधिक रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए रोंग है। आपको कोई कह लगा फोर्टी लिखना है, अगर आपने फोर्टी ऐसे लिख दिया तो ये फोर्टी गलत है, रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि थ्री टाइम ही रिपीट हो सकता है, फोर टाइम नहीं। अगर आपको कोई कह लगे फोर हंड्रेड लिखना, तो स्टूडेंट आपने फोर हंड्रेड ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत है। अगर कह लगे आप फोर थाउजेंड लिखना और आपने ऐसे लिख दिया फोर बार एम, तो स्टूडेंट ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रोमन नंबर में कोई भी नंबर थ्री टाइम से अधिक रिपीट नहीं हो सकता, इस बात को याद रखें अच्छी प्रकार, ओके स्टूडेंट। तो जी अब नंबर कितने बचे आपके पास? एक तो वीर है जी, एक एल है और एक डी है। तो स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछता है कि वे कौन से नंबर है जो रिपीट नहीं होते, तो आप बता सकते हैं कि वे वी एल ओ डी, वी एल ओ डी कभी भी रिपीट नहीं होते, ओके स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट वी एल ओ डी कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। और रिपीट कौन से होता है? आई एक्स सी और एम, और ये भी तीन बार से अधिक रिपीट नहीं हो सकते, ओके स्टूडेंट। तो अब देख लेते हैं, अगर रोमन नंबर में कोई डिजिट लिखी हुई है और उसके उसके सामने बराबर में कोई डिजिट लिखी हुई है, या तो उससे छोटी हो स्टूडेंट या फिर उससे के इक्वल हो, तो वो हमेशा प्लस होगी। जैसे आई आई लिखा तो आई प्लस आई इक्वल टू टू आई हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका मतलब हो जाएगा टू, ओके स्टूडेंट, है ना। वन 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 तीन बार रिपीट हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस इक्वल टू थ्री, तो थ्री हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे रोमन नंबर में अगर मान लीजिए स्टूडेंट जैसे वी है, वी से आपने वन लिखा, आई लिख दिया, तो फाइव और प्लस वन इक्वल टू कितने हो गए, सिक्स। तो ऐसे हम इन्हें रोमन नंबर को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये हमारा सही लिखा गया है नहीं। पहले तो ये रूल है, रूल समझ लीजिए आप।
कोई भी बड़ी डिजिट के सामने अगर कोई पहले उससे छोटी डिजिट लिखी हुई है तो उसमें प्लस होकर पढ़ी जाएगी। जैसा एक्स, एक्स से पहले क्या लिख रहा, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड बड़ी डिजिट रहेगी और राइट साइड छोटी डिजिट रहेगी स्टूडेंट। तो ये लिखा, एक्स का मतलब 10 और आई का मतलब 1, तो स्टूडेंट 11 हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट ऐसी इसी प्रकार आपको ये सब करने हैं। मान लीजिए 30 लिखा हुआ यहाँ, अब फिर हमने यहाँ लिख दिया 4। तो स्टूडेंट देखिए, ये 30 लिखा हुआ है, 10 10 10 30 और ये 4 है, तो ये इसमें इसका मतलब क्या आएगा जी, 30 और प्लस कितना है 4, तो स्टूडेंट 34 हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट साइड छोटी डिजिट है तो स्टूडेंट वो हमेशा प्लस होगी। अगर मान लीजिए स्टूडेंट जैसे ये लिख रहा था, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसमें से माइनस हो जाएगी, 5 - 1 = 4। तो स्टूडेंट ऐसे, अब ये इस साइड लिखा हुआ है तो ये देखो ये 10 है ये 1 है, तो इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखें कि अगर छोटी यूनिट राइट साइड लिखी हुई है तो प्लस होगी, अगर लेफ्ट साइड लिखी हुई है तो माइनस होगी, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट जो इसके ये रूल थे तो ये तो अभी यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है जी। इतने ही रूल हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको रोमन नंबर ट्रिक के द्वारा बनाने सिखाएंगे, ठीक है जी। तो देख लीजिए, तो स्टूडेंट अब रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे ध्यान दें। सबसे पहले हम हिंदू अरेबिक नंबर लिखेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये लिख लिया इस प्रकार। जब भी आप रोमन नंबर लिखे तो ऐसे लिख ले, पहले हिंदू अरेबिक नंबर लिखे उसके बाद रोमन नंबर लिखे। इससे क्या फायदा होगा, इससे स्टूडेंट ये बेनिफिट होगा, आपको ये पता चल जाएगा किस रोमन, तो आपकी रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक में कैसे बदला जाता है और हिंदू अरेबिक को रोमन में कैसे बदला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको इससे फायदा हो जाएगा। देखिए आप, आपने लिखा यहाँ आई है, आई का मतलब 1 होता है, ये 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो आप इसके आगे यहाँ आई लिखेंगे, तो इसका मतलब ये आई और 1 इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट, है ना। अब ध्यान से देखिए, एक ये 1 है, एक आई का मतलब 1 है, तो स्टूडेंट हम 2 आई लिख देंगे यहाँ, 1 2, 2 आई लिख दिया हमने, तो इनका मतलब ये प्लस होगा पढ़ी जाएंगी, 1 1 2 होगा। तो आप इस प्रकार अपने रोमन नंबर को चेक करते हुए चल सकते हैं, ये चेक करने का मेथड है स्टूडेंट, कि आप लिख भी रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं कि सही है गलत है। तो स्टूडेंट 1 1 2, अब ये 2 है ये भी 2 है, 1 1 और 1। ओके स्टूडेंट, देखो 3 बार आई लिखा हमने, तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे आपस में, 1 1 1 1 2 और 1 3, तो आपको पता चलेगा हाँ भैया 3 सही लिख रहा। अब स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, 4। अब स्टूडेंट आपको पता है कि V का मतलब 5 होता है, ये जो 5 है तो इसका मतलब V होता है, सबसे पहले हमने इसे लिख लिया। अब स्टूडेंट हमारा नियम क्या कहता है, रूल क्या है, कि अगर हम V से पहले अगर आई लिख देंगे तो ये सुन से माइनस होकर पढ़ा जाएगा, यानी कि वी और हमने ये लिख दिया स्टूडेंट, वी का मतलब 5 और इसमें से 1 माइनस होगा तो 4 पढ़ा जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो अगर आप भूलते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि 5 5 में से 1 माइनस कर दिया 4, ठीक है। तो इस तरह 4 बनता है, लेकिन वी हमें याद रखना ही होगा कि भाई जो V का मतलब V की वैल्यू होती है वो 5 होती है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने यहाँ क्या लिखा, V।
स्टूडेंट आप ऐसे नहीं लिख सकते थे जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? तो क्योंकि अगर आप ऐसे 4 लिखेंगे आपको याद आ जाएगा कि भाई रोमन नंबर में कोई भी न्यूमरल 3 बार से अधिक रिपीट नहीं हो सकता, है ना। तो ये गलत है। तो स्टूडेंट अब आपने वी लिखा और वी का अगर आपने एक आई लिख दिया तो ये अगर राइट साइड कोई भी छोटा न्यूमरल है वो उसमें प्लस होकर पढ़ा जाएगा 5 और 1, 6। अब 5, 6, 7। ओके स्टूडेंट देखो 5, 6, 7। तो आप इस प्रकार अपने 7 को चेक कर सकते हैं कि भाई सही है या गलत है। अब स्टूडेंट 8, वी का मतलब 5, आई का मतलब 1, 1, 1। तो स्टूडेंट 5, 6, 7, 8 आप इस प्रकार इन्हें करके देखिए कि बिल्कुल सही है हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे बिना देखे कि भाई नहीं ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8 तो आप हो सकता है कि आप गलत भी लिख दें। अब स्टूडेंट आपको पता है जो 10 होता है उसका मतलब x होता है ना। तो अगर हमें पता है कि हम x में से अगर x से पहले हम 1 लिखेंगे यानी कि इसकी लेफ्ट साइड 1 लिख देंगे तो इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा। देखो x का मतलब 10 है स्टूडेंट, आई माइनस कर दी तो 9 हो गया, तो ये 9 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यानी कि 10 में से 1 गया 9। ओके स्टूडेंट तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखिए अब आसान हो गया और भी करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको 10 तक के न्यूमरल आ जाने चाहिए, जो भी 10 तक के रोमन न्यूमरल हैं आपको वे याद होने चाहिए, ये 7 न्यूमरल याद होने चाहिए। और जो ये नियम बताए स्टूडेंट कि कब ऐड होगा और कब सबट्रैक्ट होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये आपको 10 न्यूमरल याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट अगर आपको ये याद है तो स्टूडेंट अब आपको हम अब फिर लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ट्रिक शुरू होती है, रोमन नंबर लिखने की ट्रिक शुरू होती है ना। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको आप कुछ ही सेकंड में अपना सारे रोमन नंबर लिखते रहेंगे, ठीक है जी। अब लास्ट में देखिए यहाँ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है एक्स, तो आप इस एक्स को 10 टाइम लिख दीजिए। कितने बार? 10 बार लिख दीजिए एक्स को। लिख लिया स्टूडेंट आपने 10 टाइम लिख लिया। अब स्टूडेंट जो ये रोमन न्यूमरल है आप यहीं से देख के इनके सामने लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भाई यहाँ 1 है तो आप इधर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 है 2 लिखेंगे, इधर 3 है 3 है, इधर से देख के लिखते रहेंगे। ओके स्टूडेंट वैसे तो आपके याद हो चुके हैं, अब अगर आपके दिमाग में है आपको याद है अच्छी प्रकार तो आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये याद करने ही होंगे। ओके स्टूडेंट देखिए अगर आपने ये रोमन नंबर लिख दिए नंबर तो स्टूडेंट आपको कहीं डाउट होगा कि भाई मुझे लगता है कि मेरा तो ये गलत है, या आप सोच रहे हैं कि भाई चेक करके देख लो कहीं ना कहीं कहीं गलती हो गई क्या। तो आप कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये x है, x का मतलब कितना होता है 10, और v का मतलब कितना होता है 5, 10 और 5 15, 15 16 17 18। तो देखो स्टूडेंट अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलती होगी तो आपको निकल जाएगी, ठीक है। अगर 19 चेक करना आपको, 10 हो गया, अब ये 10 है, 10 में से 1 गया ये तो 9 हो गया स्टूडेंट, ये 9 हो गया ना, और ये 10, 10 और 9 19, और स्टूडेंट ये भी 10 है ये भी 10 है, 10 में 10 प्लस हो गए कितने हो गए 20। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये आप इन्हें चेक कर सकते हैं कहीं गलती है तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 20,
ठीक है जी। अब आप हिंदू अरेबिक नंबर लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ओके स्टूडेंट, अब आप जो ये 20 आया, इस 20 को आप 10 टाइम लिखेंगे इसके सामने। ओके स्टूडेंट, दमादम लिख दीजिए आप। लिख दिया स्टूडेंट। अब फिर आप ये पहले वाले ही रोमन नंबर जो है वे आपको इनके बराबर में लिख देने हैं। ओके, 1, 2, 1, 2, 3, 1 और 5, 4, V और 1, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 और जी X से पहले 1, 9 हो जाएगा। कर दिया क्या? हाँ, क्या कर दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और 9 और जी 10। ओके स्टूडेंट, अगर कहीं भी गलती है, जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी स्टूडेंट, तो हमें यहाँ से देख के पता चल गया। कैसे पता चला कि भाई ये गलत हो गया? तो हमने देख लिया कि भाई 10, 10, 20 यार ये 5 है, 5 से पहले यहाँ 1 है तो ये 4 होगा, तो 20 + 4 = 24 है ना। जरा 10, 10, 20 और 5, 25 और 1, 6, 26 हो गया है जी। अब देख लीजिए 10 और 10, 20 और 5, 25, 6, 7, 8 तो होगा 28। तो स्टूडेंट आप किसी को भी इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर अब आपको पता है स्टूडेंट कि अगर हम 3x लिखेंगे है ना, और लास्ट में एक x और लिख देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4x आएगा, 4x हो जाएगा ना, और वो गलत होगा क्योंकि ये पहला वाला x तो बाद में आना, ये आना है ना, क्योंकि ये रोमन नंबर सबके सामने लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट जब भी 3x आ जाए तो आप उन्हें 9 टाइम लिखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। इन्हें कितनी बार लिखना आपको? 9 टाइम। पहले इंडो अरेबिक नंबर लिख लेते हैं स्टूडेंट, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और जी 40। स्टूडेंट हमें 40 की स्पेलिंग अभी हमने यहाँ सीखी थी, हमें पता है 40 क्या होता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 30 को 9 टाइम लिखेंगे, 30 को 10, 10, 20 और 10, 30। तो स्टूडेंट हमें 9 टाइम लिखना है क्योंकि हमें पता है कि L का मतलब 50 होता है ना स्टूडेंट, हमें पता है L का मतलब 50 होता है। अगर 50 से L में से क्या माइनस करता है स्टूडेंट? X, तो ये 40 हो जाएगा है ना, तो 40 तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इंडो अरेबिक नंबर यहाँ पे लिखने, रोमन नंबर 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 और x, x में से बन गया और 10 में से बन गया 9 और ये 40 हो गया स्टूडेंट। ये आपको 40 याद रखना ही होगा कि 40 ऐसे बनता है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि l का मतलब 50 होता है, लास्ट में यहाँ 50 आना है ना, तो आप लिख लीजिए पहले रोमन नंबर 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 और 50। ओके स्टूडेंट, इफ एक्स एल को भी आप 9 टाइम लिखेंगे, कितने टाइम? 9 एक्सएल लिखते रहिए, तो मतलब इसका मतलब 40 होता है स्टूडेंट है ना। और हमें पता है
50 का मतलब एल होता है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, यही शुरू वाले रोमन नंबर फिर आपको इनके सामने लिखने, याद करने की जरूरत ही नहीं, ना दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस एक बार याद होना चाहिए कि भाई आपको कैसे करना, एक बार मेथड समझ में आना चाहिए, फिर स्टूडेंट बार बार यही नंबर रिपीट होते चले जाते हैं। ठीक है, 1 1 2 1 2 3, वी से पहले अगर आई लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 5 और 1 6, 5 6 7, 5 6 7 8, और एक्स एक्स से पहले आई लिखेंगे तो 9, और ये 50 लिखा गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इन्हें रोमन नंबर देखो कितने आसानी से हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप एल को 10 टाइम लिखेंगे और फिर ये रोमन नंबर लिख देंगे उनके सामने स्टूडेंट, फिर क्या आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा, एल एक्स आ जाएगा, एल एक्स को फिर आप 10 टाइम लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसी प्रकार एक एक बढ़ता हुआ चले जाएगा और आप उन्हें लिखते हुए चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये 50 तक के रोमन नंबर हमने आपको लिख के दिखाया है। अब आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपको 1 से लेके 10 तक के रोमन नंबर आने ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको इससे भी इसे पूरे रोमन नंबर को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन्हें एकदम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आप उसे देखते रहिए। तो स्टूडेंट वे कौन से रोमन न्यूमरल हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है जी, और जिनके द्वारा आप सभी रोमन नंबर बना सकते हैं, फिर आपको कोई भी नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो हमने आपको पहले ही बता दिए थे स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के रोमन नंबर याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद आपको 20 60 70 80 90 100 200। अब स्टूडेंट आपको इन्हें याद रखने के बाद आपको ये आपको याद होने चाहिए रोमन नंबर, एक्स एक्स 20 हो गया, एक्स 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 यानी कि 10 10 30 हो गया। तो स्टूडेंट ये एल है, इससे पहले एक्स लिख दिया, माइनस हो गया, पड़ गया 40 होगा, ये एल का मतलब 50 हो गया, और ये बड़ी डिजिट से पहले हमने एक छोटी डिजिट लिखी है एक्स, तो स्टूडेंट 60 हो गया, यानी कि 50 और 10 60, एल एक्स एक्स 50 60 70। स्टूडेंट देखिए ऐसे 50 प्लस 10 प्लस 10 तो 60 70 70 हो गया ना। तो इस प्रकार अपने किसी भी नंबर को आप रोमन नंबर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एल एक्स 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 यानी कि 50 60 70 80 है, 50 60 70 80। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट 90 लिखना, तो यहाँ पे सी आएगा, सी तो पहले एक्स लिख दिया, तो इसमें से 100 में से सी 10 माइनस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये 100 का मतलब सी। अब स्टूडेंट आप 90 लिखने के लिए 4x का प्रयोग नहीं कर सकते भाई, 50 60 70 80 90, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 बार से अधिक रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब स्टूडेंट 200 एक सी है तो 2c हो जाएंगे, ठीक है जी। 300 400 500 600 700 800 900, अब स्टूडेंट 1000 2000 3000। ओके स्टूडेंट,
तो जी सी 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 यानी 100 100 100 कितने हो गए 300। स्टूडेंट हमें पता है डी का मतलब 500 होता है और डी से पहले हमने सी लिख दिया तो 400 हो जाएगा और डी का मतलब जी 500 और डी डी से हमने पहले अगर सी लिख दिया तो इसमें प्लस हो जाएगा तो 500 और 1 600 800 ओके स्टूडेंट। तो लेकिन हम 900 को ऐसे नहीं कर सकते 500 600 700 800 900 क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है ना। तो अब हम देखेंगे m m का मतलब 1000 है और इससे पहले अगर हमने c लिख दिया तो इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा 100 में से c माइनस के तो कितने हो जाएंगे 900 ओके स्टूडेंट। अब ये m m 1000 था अब 2m है 2000 हो गए स्टूडेंट। अब 3m है तो 3000 हो जाएंगे 3m 1000 1000 2000 और 1 3000 ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको लिखना है 4000 5000 6000 7000 8000 9000 और 10000 ओके स्टूडेंट। देखिए 3 बार तो रिपीट हो गई लेकिन हम 4000 के लिए m नहीं लिख सकते 4 टाइम m नहीं लिख सकते स्टूडेंट। देखिए जो 4 होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं यही 4 है ना रोमन नंबर में। तो स्टूडेंट इसके ऊपर अगर हम एक बार लाइन बना दे वैक्यूलम लाइन खींच दे जिसे हम बार लाइन भी कहते हैं, अगर एक बार एक लाइन ड्रॉ कर दे स्टूडेंट तो ये 1000 कहलाता है। जो ये बार लाइन है इसका मतलब यहाँ पे 1000 है, ध्यान से सुने। जो ये लाइन है यहाँ पे इसे बार लाइन कहते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब होता है 1000। जिस पे ये लगी होगी ऊपर तो आप उसे 1000 पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या लिखा आपने 4 और ये क्या है ये लाइन क्या क्या है 1000 की तो 4000 ओके स्टूडेंट 5000 6000 7000 8000 9000 अब स्टूडेंट 10000 ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये ही रोमन नंबर हैं वे जिन्हें आपको याद रखना है और आपको इन्हें याद रखने के बाद स्टूडेंट आपको अगर आपने ये रोमन नंबर याद रख लिए अपने दिमाग में सारे तो स्टूडेंट आपको 99999 तक के रोमन नंबर लिखने आ गए। अब आपसे अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस कितने याद करने हैं आपको स्टूडेंट 10 ही हो गए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ओके स्टूडेंट 37 रोमन नंबर रोमन न्यूमरल आपको याद रखने हैं। और स्टूडेंट आपको कहां तक के रोमन नंबर आ गए लिखने बताइए 99999 तक रोमन नंबर, आप कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। आप कहेंगे भाई कैसे आ गए हमसे, हमें हमसे तो नहीं आए हैं, तो स्टूडेंट हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि आप पे आ गए अगर आपके ये रोमन नंबर याद है ओके स्टूडेंट। आप देख लीजिए कैसे आ गए ठीक है जी। अब स्टूडेंट मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि भाई 25 लिखी, आपको 25 रोमन नंबर में दे दिया, 87 दे दिया, 88 दे दिया, 76 दे दिया,
99 दे दिया। ओके स्टूडेंट, और आपको ये कह रहा कि भाई इन्हें रोमन में लिखिए, है ना, कह में लिखिए स्टूडेंट, रोमन में लिखिए। देखिए रोमन में ये क्या है, सबसे पहले आप जब भी किसी भी नंबर को आप स्टूडेंट रोमन नंबर में लिखना चाहें, है ना, तो सबसे पहले आप उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पहले सिखा चुके हैं, जो आपका रिवीजन है उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म थी। ओके स्टूडेंट, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट देखिए, अगर आपको इसे एक्सपेंड करना है तो ये टू लिखा है, टू लिख दीजिए, और टू का आगे कितनी जितनी डिजिट हो उतने उतनी जीरो लगाइए, एक डिजिट है एक जीरो लगाइए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए और जो लिखा हुआ है उसे लिख दिए। फाइव का आगे कोई डिजिट नहीं है स्टूडेंट, तो हम इसके आगे कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरे मेथड से समझ लीजिए, तो ये 25 है स्टूडेंट, हम क्या पढ़े 20 और प्लस 5, पहले हमने 20 लिखा प्लस 5 लिखा तो 25 हो गया, है ना। अगर आप इस पर वन स्टैंड डालें, वन स्टैंड, तो 2 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20, और 5 वन प्लेस पे है तो 5 वन जा 5। तो स्टूडेंट हमने इसे क्या करा, हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। सबसे बेस्ट मेथड है स्टूडेंट किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखने के लिए, उसे सबसे पहले एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो आपने देखो स्टूडेंट 20 लिखा, हमने क्या कहा था, आपको ये नंबर याद होने चाहिए, है ना। तो मान लीजिए हम ये सोच लेता है कि आपको 20 इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये रहा 20, ये आपके याद है, तो आप 20 की स्पेलिंग यहां से देख के लिखेंगे, 20 लिख रहा तो आप लिखेंगे x 10। अब स्टूडेंट 5 की स्पेलिंग कहाँ है रोमन, ये रही, तो आप स्टूडेंट यहां से 5 की लिख देंगे। तो आपके अगर ये याद है तो आपने देखो 25 आसानी से लिख दिया ना, है ना। तो स्टूडेंट अब इसमें एक और, चलो एक ऐसा भी लेते हैं, कम नंबर भी ले लेते हैं इनमें, तो अब स्टूडेंट क्या है 87 है। तो स्टूडेंट हमें क्या लिखना, 80 की लिखनी है, 80 की स्पेलिंग हमने याद कर ली स्टूडेंट, ये रही, तो यहाँ से देख के लिख लिया हमने 80, यानी कि हमारे दिमाग में याद है 80 की स्पेलिंग। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं ना जब आप ये 34 नंबर रोमन नंबर याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो और 7 की कहाँ है जी, 7 की ये रही, देखो 15 60 70 80 और 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है जी, ये रही 7 की, आपने याद कर ली थी। अब स्टूडेंट 80 प्लस 8 तो क्या होगा जी, 80 की स्पेलिंग ये रही, आपने याद कर ली यहां से, और 8 की स्पेलिंग ये रही स्टूडेंट। बेस्ट शर्त है आप ये 34 रोमन न्यूमरल पहले याद कर ले, उसके बाद आपको कोई भी ऐसा रोमन नंबर नहीं रहेगा जिसकी स्पेलिंग आप ना लिख सके, उसे रोमन नंबर में चेंज ना कर सके। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 76 है, पहले 70 लिखिए फिर 6 लिखिए, 70 LXX यानी कि 50 60 70 50 60 70 और जी अब 9, पहले I लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, ये इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा स्टूडेंट, ओ 6 लिखना था स्टूडेंट हमें, तो V और 1 5 और 1 6 हो गया। अब 90 प्लस 9 तो स्टूडेंट 90 का क्या होगा, C और X 90, ये इससे पहले X लिख दिया तो 90 हो जाएगा और फिर 9, देखिए 90 की स्पेलिंग आपने यहां से याद करी और 9 की स्पेलिंग आपने यहां से याद की, ठीक है। अब 15 10 प्लस 5, ओके स्टूडेंट, देखिए अब आपको इसमें से माइंड में से आपको लिखना है याद करने के बाद, तो फिर 10 की कहाँ है, ये रही, और 5 की कहाँ है स्टूडेंट, ये रही, हो गई। तो स्टूडेंट और देखते हैं, और नंबर लेते हैं कुछ,
तो स्टूडेंट कुछ नंबर और लिए हमने जो रोमन नंबर हमसे नहीं आते, कि हम इन्हें इन इंडो अरबिक नंबर को रोमन नंबर में चेंज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। लेकिन स्टूडेंट हम पे ये 34 रोमन नंबर आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना, आपको इन्हें एक्सपेंड करना है स्टूडेंट। क्या है, 100 प्लस 10 प्लस 5। ओके स्टूडेंट, अब आपको इसे रोमन में लिखना। 100 की स्पेलिंग क्या होती है आपको याद है, यहां से आपने याद कर की सी, और 10 की क्या होती है स्टूडेंट एक्स, और 5 की क्या होती है वी। ओके स्टूडेंट, ये आप यहां से देख के लिख रहे हैं, यहां से देख के मैं लिखने का मतलब है कि आपको याद है और आप अपने दिमाग से सोच के लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब 200 प्लस 50 प्लस 9। ओके स्टूडेंट, 200 की कहां है जी, ये रही 200 का मतलब 2c है, यानी कि 100 हो गए, 50 का मतलब स्टूडेंट एल होगा, और 9 का ix, तो ये हो गई। अब 380 प्लस 9। ओके स्टूडेंट, 300 का मतलब 3c हो जाएगा, 80 का मतलब एल एक्स 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 हो जाएगा, और 9 का ix हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए ये सब आप यहीं से देख के लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट आगे देखिए, 900 लिख दीजिए, 900 प्लस 90, जो बोलेंगे वही लिखेंगे, एक्सपेंड अपना आप हो जाएगा, प्लस 999। आप ऐसे भी पढ़ के देख सकते हैं स्टूडेंट, 999। ओके स्टूडेंट, 900 की कहां लिख रही है जी, ये रही cm। स्टूडेंट आपको याद करनी पड़ेगी 900 की cm, 90 की xc, ये रही 90 की, आ गई स्टूडेंट, ये रही है ना, और फिर 9। ओके स्टूडेंट, तो आप इस प्रकार देखो, ये हमारे नंबर याद नहीं थे लेकिन हमारे ये याद हैं, तो हम सब इन्हीं सब के सारे 1000 तक के जितने भी रोमन नंबर हैं स्टूडेंट, एक भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो इससे बाहर चला जाए। अगर आपके ये याद हैं तो सब आपके याद हैं 1000 तक के, ठीक है जी। अब ये देख लीजिए, इधर भी हमने कुछ लिखा है, 400 प्लस 90 प्लस 9। ओके स्टूडेंट, 400 का कहां लिख रहा हुआ है, ये लिख रहा CD, 400, 90 का XC और 9। अब जी 500, 10 इसमें है नहीं स्टूडेंट, और 6 है, तो 500 का D और 6 का I और V, ये लिख रहा 6 का, और 500 का स्टूडेंट ये लिख रहा D, ठीक है जी। अब 600, 10 इसमें है नहीं और 1, तो 600 का स्टूडेंट ये लिख रहा DC और 1 का I का 1 ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब 700 कहां लिख रहा जी, ये रहा DCC, ओ पहले एक्सपेंड कर लो था, 700 प्लस 15, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, 700 का CDCC, और जी 10 का X और V का 5, तो 500, 600, 700, 10 और 5 15, 750। ओके स्टूडेंट, 880 प्लस 800 का ये रहा स्टूडेंट, यानी कि 500, 600, 700, 800, 80 का L X X X और 8 का स्टूडेंट हो जाएगा VII, है ना। देखो सब कुछ आपको यहीं से देख के लिखना है, एक भी हम अलग से नहीं लिख रहे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं, 1000 से ऊपर चलते हैं, कुछ नंबर लेते हैं जो 1000 में होंगे,
ओके स्टूडेंट, उन्हें भी देख लेते हैं क्या अभी इससे बन जाता है या नहीं। तो स्टूडेंट अब हमने कुछ बड़े नंबर लिए हैं जिन्हें हम रोमन नंबर में चेंज करेंगे। अब वो भी स्टूडेंट जो हमने 34 रोमन नंबर याद किए ना, इन्हीं की मदद से करेंगे, इन्हीं की सहायता से करेंगे, अलग से हमें कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है जी, हमने क्या बताया, सबसे पहले आप इन्हें एक्सपेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है और ये थाउजेंड है और ये 10,000। तो स्टूडेंट 1,000 का एक पेयर बनता है ना, 100 हमेशा अकेला रहता है और 1,000 को भी हम पेयर से लेते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर अभी हमने आपको ये बताया था 4,000 के ऊपर बार लाइन बनाते हैं, 7,000 के, इसी तरह हम 25 के ऊपर भी बार लाइन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए जैसे 25 है तो स्टूडेंट आप पे 25 लिखना आता है तो कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स टेन और फाइव। तो स्टूडेंट ये 25 होगा और इसके ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक बार लाइन कर दीजिए, तो ये हो गया 25,000। ठीक है जी, अब 800 डी सी 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 800 और फाइव। ठीक है स्टूडेंट, ये हम अभी अपने हमने थोड़ी देर पहले आपको इसी में समझाया था, तो ये आपका बन गया। अब स्टूडेंट ये क्या है, 99,000 है तो आप 99 लिखिए, 99 आप कैसे लिखेंगे, पहले तो आप सी लिखेंगे, उससे पहले एक्स लिखेंगे 90 हो जाएगा, फिर आई लिखेंगे एक्स लिखेंगे 99 होगा स्टूडेंट। अब इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये बार लाइन है स्टूडेंट, ये होगा 99,000। अब 600 है तो डी सी सी और 90 एक्स सी और आई वन। तो स्टूडेंट ये सब यहीं से आ रहे हैं, देख लीजिए 99 कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, 99 आप बना सकते हैं है ना, 90 की स्पेलिंग कहाँ है जी, ये रही, और 9 की है रही। आप इस प्रकार 99 लिख के और उसे उसके ऊपर बार लाइन कर दीजिए, फिर है 600 स्टूडेंट ये रहा डी सी, 600 के बाद 99 है तो स्टूडेंट 90 ये रहा और 9 ये रहा, तो आप यहीं से देख के लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट है 99,000 अभी हमने यहां से लिखा 90 का देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से देख सकते हैं आप एक्स ही है और 9 का यहाँ से देख सकते हैं 9 है ना, और 900 आप का स्टूडेंट जो होगा वो होगा सी एम 99,000। देखिए स्टूडेंट ये 90 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 90 और ये 99 होगा और 900 का मतलब होता है सी एम 900 फिर 99। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लीजिए 87,000 है जी, पहले आप लिखेंगे 80, तो स्टूडेंट आपने ये 80 लिख दिया और ये 7 लिख दिया, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 87,000 और 1, तो स्टूडेंट यहाँ 1 आ गया, तो ये हो गया 87,000 1। अब 90,004 है स्टूडेंट, 90 कैसे लिखेंगे सी और एक्स, 90 हो गया 1,000 और 4। ओके स्टूडेंट ये हो गया, अब ये है जी 1,001, तो 1,000 का मतलब स्टूडेंट ये देख लीजिए एम होगा और 1 का आई। अब 5,000 ये 5 है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, और 600
डी और सी, 600 हो गया जी, अब 20 और 1, ये सब स्टूडेंट इन्हीं से ही है। अब है जी 9,821, ओके स्टूडेंट। अब 9,009, तो स्टूडेंट आपको सिर्फ 34 रोमन न्यूमरल याद रखने हैं और उससे आप 99,999 तक के सारे रोमन नंबर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने इसमें आपको हिंदू अरेबिक नंबर क्या होते हैं, है ना, और अपने रोमन नंबर को किस प्रकार चेक करें, ये सब, और रोमन नंबर के रूल्स क्या होते हैं, ये सब हमने आपको स्टूडेंट इसमें पढ़ा दिया। ये और ये कंप्लीट है, अपने आप में 99% कंप्लीट है स्टूडेंट ये वीडियो रोमन नंबर के लिए। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हैं मे भी इस प्रकार की अच्छी वीडियो देखें तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर कोई स्टूडेंट आपको कोई कमी नज़र आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।